खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन सभी 5 राज्यों में कब चुनाव होंगे आज ये साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, ये वो 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनावों का बिगुल आज फूंक जाएगा। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। कब इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे वो तारीखें आज सभी के सामने होंगी। 5 राज्यों की सभी विधानसभा सीटों को अगर मिलाएं तो 679 विधानसभा सीटों पर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है, जिसमें यह पता लगेगा कि इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आखिर कब होंगे। तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं सभी राजनीतिक दलों ने। विपक्ष जहां एकजुट हो गया है, इंडिया गठबंधन जहां विपक्ष ने बनाया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, इसके अलावा राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर चुनावों की घोषणा आज होगी। मिजोरम की अगर बात करें तो कार्यकाल इसी साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मिजोरम में नेशनल फ्रंट सत्ता में है। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, बीजेपी का कब्जा मध्य प्रदेश में है। तो देखना होगा कि कब कब इन राज्यों में चुनाव होते हैं, क्या एक ही चरण में चुनाव होंगे या फिर 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से। मेरे साथ चेतन सेठ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, जो कि मध्य प्रदेश को लेकर जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में चेतन, 230 विधानसभा की सीटें, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी कि इसके बाद कोई ऐलान नहीं किया जा सकेगा, कोई वादा नहीं किया जा सकेगा। दावे तो हालांकि हमेशा राजनीतिक दल कर सकते हैं, क्या वहां पर समीकरण अभी फिलहाल नजर आता है और क्या माना जाए कि एक ही चरण में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे या फिर 2 अलग-अलग चरणों में हो सकते हैं चुनाव, क्या सोर्सेस बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई कि 12 बजे निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश में अब तक जो सूचना निकलकर आ रही है कि एक ही चरण में, यानी कि 2018 में जिस तरीके से चुनाव हुआ था उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। लगातार तमाम राजनीतिक दलों के सर्वे जिस तरीके से आ रहा है, कांटे की टक्कर लगातार बताई जा रही है, क्योंकि 2018 के जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, 114 सीटें लगभग हुई थी और 116 सीटों पर कांग्रेस ने दावा किया था और अपनी सरकार बनाई थी, यानी कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन 2020 के जब 15 महीने सरकार चली, उसके बाद जो है 22 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आ गई और बीजेपी ने अपने पाले में 127 मध्य प्रदेश में विधायक कर लिए और यही कारण है कि लगातार सियासी उठापटक लगातार मध्य प्रदेश में हो रही थी, बयानबाजी का दौर नेताओं का चल रहा था। लेकिन पिछले 5-7 दिनों से विकास कार्यों की होड़ मध्य प्रदेश में हो गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिस कैबिनेट की बैठक में सुबह तय किया गया कि 40 प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और इन पर बातचीत होगी, लेकिन देर रात 9 बजे तक बैठक हुई और 9 बजे उस बैठक में लगभग 118 प्रोजेक्टों पर, प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। तो कहा जा सकता है कि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उनके हाथ से दल जाए। लगातार मध्य प्रदेश में घोषणाएं की जा रही हैं, उसके साथ ही लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन, तमाम ऐसे विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन किया जा रहा है जिन विकास कार्यों का अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। 40-50% काम अभी अधूरा है। भोपाल मेट्रो की अगर हम बात करें, भोपाल मेट्रो की सौगात जरूर भोपाल वासियों को दे दी, लेकिन अभी प्रोजेक्ट में लगभग 6 माह का वक्त लगेगा। इस बार हमने देखा है चेतन कि आखिरी कुछ दिनों में किस तरह से होड़ मची सभी काम पूरे करने की, श्रेय लेने की और एक तरह से लीपापोती करने की। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़ गए हैं, दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, इसके अलावा विष्णु शर्मा जयपुर से मेरे साथ हैं। विष्णु के पास पहले चलते हैं। विष्णु, चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने और इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला जो माना जा रहा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जातीय जनगणना की बात कही गई है, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? ऐसे में इस ऐलान को सीएम के
श्री गुफे के तौर पर देखें या फिर मास्टर स्ट्रोक उनका माने, तारीख तो आज आ जाएंगी सामने, अब इसके बाद कैसे करवाएंगे जातीय जनगणना मुख्यमंत्री? देखिए, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जातिगत जनगणना को लेकर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जब जातिगत आंकड़े साफ होंगे तो उसके साथ कई चीजें साफ होंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की ओर से कल ही आदेश निकाल दिया गया था और जो कहीं ना कहीं अब चुनावों की तारीख नजदीक है, इसलिए जो फाइलें हैं वो लगातार घूम रही है, क्योंकि सैटरडे और संडे को भी कुछ सरकारी दफ्तर हलचल तेज देखी गई, कई जो सरकारी दफ्तर थे वो खुले रहे। और लगातार देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो इस बार राजनीतिक ज्ञाताओं का मानना है कि किसी तरह की लहर राजस्थान में देखी नहीं जा रही है। कि जब एक टाइम होता था जब अगर बीजेपी की सरकार होती थी तो कांग्रेस की लहर होती थी और कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी की लहर हुआ करती थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा है मुकाबला कांटे का है, टक्कर का है। आपकी अगर सिचुएशन दी जाए तो देखी जाए तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बराबर देखा जा रहा है दोनों की ताकत को, लेकिन अब जनता किस पर भरोसा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास वो तमाम योजनाएं हैं जो राजस्थान के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लाई गई है। इन तमाम चीजों का कंपैरिजन होगा, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद हो पाएगा कि राजस्थान आखिर किसके साथ जा रहा है। और एक कांग्रेस एक दाव और चलने जा रही है, ERCP के जो इलाके हैं वहां पर अब कांग्रेस की रैली होगी और कांग्रेस लगातार पिछले 5 सालों से मांग की हुई आ रही है कि ERCP को केंद्रीय परियोजना घोषित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस मांग को अभी तक नहीं माना गया है। इन तमाम चीजों का चुनाव में कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर है अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, जहां एक तरफ विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है लोकसभा चुनावों के लिए, क्या विधानसभा चुनावों में भी एकजुटता दिखेगी ये देखना होगा। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है। मनोहर केसरी का मैं रुकर लेती हूं जो कि मेरे साथ दिल्ली से है। मनोहर, क्या सभी 5 राज्यों के लिए आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नतीजे कब आएंगे क्या ये भी स्पष्ट हो जाएगा? क्या माना जाए चूंकि जो बाकी राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका कार्यकाल तो अगले साल अलग अलग तारीखों को जनवरी में समाप्त होगा, लेकिन मिजोरम में मिड दिसंबर आखिरी कार्यकाल रहने वाला है सरकार का, ऐसे में क्या उससे पहले ही रिजल्ट्स भी आ जाएंगे? तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का के बारे में बताया गया है कि 5 राज्यों के तारीखों का ऐलान आज दोपहर 12 बजे हो जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में जाकर के अलग अलग तैयारियों का न सिर्फ जायजा लिया है बल्कि सारी चीजें डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई है। अब बात रही कि आखिरकार इन 5 राज्यों के चुनाव के नजदीक भी आ जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से चुनावी एजेंडा तय किया गया है, जिस प्रकार से लगातार कास्ट सेंसस को लेकर के बातचीत की जा रही है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया हुआ है, हमने देखा है कि बिहार के बाद किस तरह से राजस्थान में भी सरकार ने नोटिस जारी करके कास्ट सेंसस को लेकर के कहा कि सरकार कास्ट सेंसस करवाएगी, हालांकि शगुफा ही हो। लेकिन वहीं अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो प्रियंका गांधी जब गई थी तो उन्होंने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस होगा, मतलब इस बार चुनावी मुद्दे जो है सो जातिगत जनगणना एक होगा। और इनमें से अगर आप देखें भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में भी जिस प्रकार से एक्शन हुआ है ये होगा। वहीं अगर सरकार की ओर से देखें, केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं रही है उस योजनाओं पे, विकास की योजनाओं पे जो है केंद्र सरकार और बीजेपी जो है वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी ठीक है, दीपक का मैं रुक कर लेती हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मेरे साथ दीपक है। वहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आता है दीपक, चूंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, और क्या छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर चूंकि सीएम भूपेश बघेल भी जिक्र कर चुके हैं कास्ट बेस्ड सेंसस का, ऐसे में यही मुद्दा रहेगा इस बार दीपक? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन से प्रियंका गांधी ने बस्तर में कहा है कि हमारी सरकार अगर पूर्व बहुमत से आएगी तो हम लोग जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे और इसको लागू करेंगे, उसके बाद सरकार के जितने भी मंत्री और सरकार के विधि विधायी मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी शीर्ष नेत्री है, हम इसको लागू करके रहेंगे। इसकी तरह समझना ये होगा कि बीते 23 सालों में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुए 23 साल हो गए, ये पहला मौका था कि 90 सीटों में 71 सीटें किसी पार्टी को मिली। इससे पहले जो 15 साल का कार्यकाल
रहा जब डॉक्टर अमन सिंह बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जो गद्दी है उस पर आसीन रहे तो मैंडेट रहता था 48, 49, 51 इसके आसपास ही डॉक्टर अमन सिंह की सरकार इन्हीं नंबरों के साथ रही। लेकिन भूपेश बघेल ने 71 सीटों के साथ सरकार बनाई और उस सरकार को पूरा चलाया भी। हालांकि कई सारे हडल्स आए, 2.5 साल का वो मामला हो, विधायकों की परेड हो और भी बहुत सारे मामले छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। अब इसके इतर समझा ये जाना चाहिए कि ये रिवाइवल, क्योंकि सरकार दोबारा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम तरह की एजेंसियां यहाँ काम कर रही है। आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है कि बीते 1.5 साल से ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ रह रहे हैं, किराए का घर ले लिया, बच्चों का एडमिशन करा दिया और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब यदि बीते महीने को छोड़ दें तो इक्का दुक्का कार्रवाई हो रही है, नहीं तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग किसी ना किसी अधिकारी के घर की जा रही थी, किसी राजनेता के यहाँ की जा रही थी। तमाम लोग ईडी के घेरे में है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, और तो और दो विधायकों समेत अगर बात की जाए तो 2 IAS, एक बहुत सीएम हाउस के करीबी हैं वो, उसके अलावा 1 IAS ये जेल में है, मुख्यमंत्री के कई लोग हैं, ऐसे तमाम लंबी फेरिस्ट है। तो ये समझा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ उस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौजूदा दौर है वहां पर भूपेश बघेल ने एक अपनी नई लाइन खींची है जिसमें छत्तीसगढ़ियावाद का जिक्र है, जिसमें छत्तीसगढ़िया का जिक्र है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का जिक्र है। बीते 15 सालों में और 3 साल के वो जोगी कार्यकाल के जो जब छत्तीसगढ़ बना था 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ियावाद की चर्चा नहीं होती थी, छत्तीसगढ़िया की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब बतौर भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद की चर्चा की, उन्होंने छत्तीसगढ़ी महतारी की चर्चा की, और तो उन्होंने इस चीज को बताया कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको आगे होना चाहिए। आज से पहले जो चर्चा हो रही थी वो मारवाड़ी अग्रवाल की चर्चा हो रही थी, वो उन लोगों की चर्चा हो रही थी जो बाहर से आए थे। ओबीसी बतौर ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पे चलने का प्रयास कर रही है कि 2018 के रिजल्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, 91 में से 71 सीटें लाना ये बड़ी बात, उस फासले को क्या बीजेपी के लिए पाट पाना उतना आसान होगा? छत्तीसगढ़ में तो चैलेंज फिलहाल नजर आता है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में फाइट बहुत इंटरेस्टिंग नजर आती है। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ पहले से ही बने हैं जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में हमें जानकारी लगातार दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक ये कि 71 सीटें, आपने 2018 का जिक्र किया और उससे पहले के चुनावों का जिक्र किया जब फासला हुआ करता था ठीक ठाक, लेकिन 18 के चुनावों में एक तरह से क्लियर मैंडेट भूपेश बघेल को गया है। ऐसे में क्या चुनौती रहेगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए ज्यादा सीटें भी ले पाना, वोट शेयर को बढ़ा पाना? देखिए चुनौती बहुत बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह इस पूरे छत्तीसगढ़ को स्वयं देख रहे हैं, तमाम दौरे किए, 10-10 घंटे की मैराथन बैठक की और अमित शाह के सबसे करीबी मनसुख मांडविया और ओम माथुर, इन दोनों को यहां का प्रभार दिया गया। और ओम माथुर जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे तो ये सवाल किया था हमने उनसे कि आप छत्तीसगढ़ आए हैं, आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है, आपने गुजरात देखा है, आपने तमाम बड़े राज्य देखे और उस हिसाब से हिंदी पट्टी का सबसे छोटा राज्य है छत्तीसगढ़। इस बात को हर कोई कहता है क्योंकि 90 सीटें, तो उन्होंने कहा कि मैंने तमाम बड़े राज्यों में दिया, छत्तीसगढ़ उस लिहाज से मेरे लिए बहुत छोटा है और हम इसको जीता के रहेंगे। और ना सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, खुद प्रधानमंत्री के दौरे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, बल्कि चेतन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में ही 8 से 10 दौरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में 34 दौरे हो गए हैं और अब तक जब से चुनावी घोषणाओं का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है पिछले 6 महीने में, और पिछले 6 महीने में पीएम मोदी के लगभग 17 मध्य प्रदेश के दौरे हो गए हैं। इसके साथ ही अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। लेकिन बीजेपी ने जितनी भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैठकें की, जितनी भी बड़ी जनसभाएँ की, उन जनसभाओं में अब तक सीएम कैंडिडेट तय नहीं किया। ये तय नहीं किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मध्य प्रदेश में अब आगामी विधानसभा होगा, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया था, अब की बार 200 बार, एक बार फिर भाजपा सरकार और फिर एक बार सीएम शिवराज। मेरे साथ न्यूज़ रूम से राकेश भी जुड़ गए हैं।
राकेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाली है। पांच राज्य, कुल 679 विधानसभा की सीटें इन सभी पांच राज्यों की, कितना इंटरेस्टिंग फाइट नजर आती है खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में? देखिये, ये चुनाव काफी अहम रहने वाला है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि 2024 आम लोकसभा चुनाव जो है, इसके बाद आम लोकसभा चुनाव होगा, तो ऐसी स्थिति में इस चुनाव का जो है सीधा असर तो नहीं कहें, लेकिन एक झलक जो है जरूर मिलेगा। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है दोनों धड़ों के लिए। दो धड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जहां राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, अन्य दल भले उसमें कोशिश कर रहे हैं लेकिन दो मुकाबला आमने सामने का है। वही बात मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन यहां पर जो है दोनों पार्टियां कई धड़ों में बटी हुई हैं, भले ही कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश में हेड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप दिग्विजय सिंह देखिए, अरुण सिंह, अरुण यादव हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं बीजेपी के, तो बीजेपी में भी जिस तरह से 8-3 केंद्रीय मंत्री और 5 अन्य सांसद, मतलब करीब 8 सांसदों को मैदान में उतारा गया है, तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिरकार बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश कितना आम है। रही बात राजस्थान की, राजस्थान में चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी जो है किसी चेहरे के बिना चुनाव मैदान में उतर रही है, वहीं अशोक गहलोत के अगुवाई में वहां पर चुनाव हो रहा है। बिल्कुल जाहिर है, छत्तीसगढ़ का इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों में 71 सीटें आई थी, ऐसे में उस डिफरेंस को पाट पाना तो मुश्किल बीजेपी के लिए लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग फाइट रह सकती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आज जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो माना जाएगा कि कांग्रेस भी अपनी लिस्ट बहुत जल्द अब जारी करेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।